थैंक यू लॉर्ड। ओके आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। ब्रिंग मी ऑन द मेन स्क्रीन। थैंक यू जीसस, वी गिव यू प्रेज। ओके पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमसे बातें किया है, इसलिए धन्यवाद। हर एक गवाहियों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। फादर यू आर अ प्रोवाइडर, आप हमारी जरूरत पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें ऊंचाई से ऊंचाई में लेकर जाते हैं, इसलिए धन्यवाद। और जो कुछ आपने हमारे भाइयों और बहनों के लिए किया है उसके लिए हम आनंदित हैं। We are happy and we are thankful. Thank you, Lord, कि आपकी आशीषों की बारिश और ज्यादा होते रहे। Thank you, Father. Hallelujah. इस वचनों के द्वारा प्रभु आज आप लोगों को स्पर्श करें। Touch people today. सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इस वचनों के द्वारा एक प्रार्थना की आत्मा, the spirit of prayer, let it fall on our people. कि प्रभु जैसे हम हर क्षेत्र में उन्नति में जा रहे हैं, वैसे हम प्रार्थना में भी उन्नति में जाएं, समय निकाल कर आपके साथ समय बिताएं, समय को निकाल कर आपके साथ समय बिताएं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। यू आर द लिविंग गॉड। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके सो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द फास्टिंग पावर, उपवास शक्ति या उपवास की शक्ति। एक विश्वासी होने के नाते उपवास, ओके वन सेकंड, ओके एक विश्वासी होने के नाते हमें उपवास करना ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तो है जब आप खाने को थोड़ा साइड में रखते हैं, दिस समथिंग एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए बहुत, क्योंकि वो खाने की शक्ति के ऊपर वो प्रबल नहीं हो पाते हैं, मतलब खाना नहीं खाना ये इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मसीही जीवन में उपवास जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आदम के बारे में भी अगर आप सोचें तो वो एक फल के कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, एक फल के कारण खाने के विषय में। प्रेज गॉड। यहूदा के बारे में, जूडस इस्करियोट के बारे में सोचेंगे तो 30 सिक्कों के लिए, 30 सिक्कों के भूख के लिए उसने यीशु मसीह को बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया 30 सिक्कों के लिए। एंड यू नो वो पैसों से आप क्या खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे या फिर सेविंग्स में डालेंगे या फिर कुछ खाना ले लेंगे और फिजिकल थिंग्स, मतलब वो अपने फिजिकल शारीरिक लालसाओं को काबू नहीं कर पाया और उसके शारीरिक लालसाओं ने उसे मजबूर किया कि वो यीशु मसीह को बेच दे 30 सिक्कों के लिए। प्रेज गॉड। और आप सोचिए कि यीशु मसीह जब परीक्षा के समय में प्रार्थना कर रहे थे 40 दिन 40 रात, पहला टेम्पटेशन जो शैतान लेकर आया वो खाने के विषय में था कि ये रोटियों को, ये जो पत्थर हैं उसको रोटियों में बदल कर, तुझे भूख लग रही है इसको रोटियों में बदल दे, खाने के विषय में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब उपवास के द्वारा हम ये जो खाना है इसके ऊपर हम थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर सकें और उसके ऊपर हम प्रभुत्व कर सकें, दैट वी विल बी ओवर इट। प्लीज। और फास्टिंग इन चीजों में हमारी सहायता करता है, फास्टिंग हेल्प्स अस in these areas. Praise God. Okay. Let me tell you what fasting is. Fasting is abstinence with the purpose of drawing close to God. Upvas parmeshwar ke kareeb aane ke uddesh se parhez hai ya fir sayam. Okay. Fasting is abstinence with the purpose of drawing close to God. Upvas parmeshwar ke kareeb आने के उद्देश्य से परहेज है। आमीन। तो जब बिब्लिकल फास्टिंग के बारे, और जो हमारा वचन का उपवास है वो सांसारिक उपवास से अलग है, जब हम उपवास करते हैं, हमारा उपवास करने का मकसद सिर्फ खाना खाना नहीं है कि हमने सिर्फ खाने को साइड में रख दिया। कुछ लोग हैं जो खाने को साइड में रखते हैं और दिन भर मोबाइल में बैठे रहते हैं, वो उपवास नहीं है। या फिर कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं लेकिन ऑफिस जाते हैं, वो उपवास नहीं है, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है,
वो आप अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन वचन का जो उपवास है वो तो थोड़ा अलग है। आप खाने को क्यों साइड में रखते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं और आप कोई भी बाधा या रुकावट नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि खाने का चीज बीच में आए, या दोस्त लोग बीच में आए, या फोन बीच में आए, या मीटिंग्स बीच में आए। आप उस मकसद के साथ कि प्रभु मैं फास्टिंग का मतलब परहेज, मतलब मैं अपने आप को खाने से, न्यूज़पेपर्स से और सांसारिक चीजों से, मोबाइल से अपने आप को थोड़ा हटाकर मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, आपके नजदीक आना चाहता हूँ। वो है उपवास का मकसद। प्रेज गॉड। और इसमें बुद्धि की जरूरत बहुत है। उदाहरण के तौर पे जब आप ऑफिस जा रहे हैं तब आप फास्टिंग मत कीजिए। जैसे आपने सुबह कुछ नहीं खाया और आप बोल रहे हैं कि आप फास्टिंग कर रहे हैं, मैं ऑफिस जाके फास्टिंग करूंगा, वैसा फास्टिंग मत कीजिए। क्योंकि ऑफिस में आपका काम है। अगर ऑफिस में आप काम करने वाले हैं तो आप प्रभु के करीब कैसे जाएंगे? सो जब आप उपवास करते हैं तो ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए उस दिन। प्रेज गॉड। उस दिन दोस्तों के साथ मीटिंग्स को कैंसिल कर दीजिए, अपने मोबाइल को साइड में रखिए, खाने को साइड में रखिए और अपने आप को एब्सटेन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और आपका एक ही लक्ष्य है कि मैं प्रभु के साथ बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो जब खाने का समय आएगा तो मुझे बुलाना नहीं, मैं पूरे रीति से परमेश्वर के साथ 4-5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मैं परमेश्वर के साथ बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद गॉड। प्रेज गॉड। कई बार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग काम करते हैं, टेक वन डे ऑफ। प्रेज गॉड। टेक वन डे ऑफ आपके बिजी स्केड्यूल में से आप एक दिन छुट्टी ले लीजिए और छुट्टी लेकर आप उपवास कीजिए, जस्ट फास्ट, कि प्रभु मैं प्रभु के साथ समय बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट स्पेंड सम टाइम विद गॉड। मैं छुट्टी लेकर के मैं प्रभु के साथ समय बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट स्पेंड टाइम विद गॉड। मैं प्रभु के साथ समय बिताना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। उस समय जैसे मैंने आपसे कहा, सिर्फ खाना नहीं खाने का फास्टिंग का मतलब नहीं है। खाने को आप साइड में, जो भी चीज आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने में बाधा डाल सकती है उस चीज को आप साइड में, हो सकता है वो फेसबुक है, हो सकता है वो मोबाइल है, हो सकता है वो परिवार है, उन सबको आप साइड में रख के बोलते हैं, कम्युनिकेट करके कि मेरे को ये 4-5 घंटा डोंट डिस्टर्ब मी, मैं परमेश्वर के साथ समय बित, आई वॉन्ट स्पेंड टाइम विथ माई फादर। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर के साथ समय, हर साल मैं ऐसा करता था कि हम केरला जाते थे एक हफ्ता या 2 हफ्ता, एंड वी वुड जस्ट स्पेंड टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ समय, बिकॉज फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको केरला जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में कर सकते हैं। जैसे भी कि आप दूसरे चीजों से अपने आप को अलग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उपवास उनका जीवन शैली है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसा उपवास करूंगा, मैं खाने को कैसे छोड़ सकता हूँ, मतलब खाने का इतना आपके ऊपर काबू ना हो कि आप खाने को थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। सो फास्टिंग इज एब्सटिनेंस विद द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग क्लोज टू गॉड। उपवास परमेश्वर के करीब आना। उपवास का मतलब सिर्फ खाने को छोड़ना नहीं है, उपवास का मतलब सिर्फ मोबाइल को साइड में रखना नहीं है, उपवास का मतलब सिर्फ छुट्टी लेना नहीं है, उपवास का मतलब है ये सब चीज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मकसद ये है परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर के करीब जाना है। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर के साथ, मतलब जब आप उपवास कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आपने कमरा बंद किया है, मतलब आप एक ऐसे जगह में है जहां पर आप अकेले में हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एंड यू जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। आप परमेश्वर की उपस्थिति में, यू जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। दैट इज व्हाट फास्टिंग इज। बिना कोई रुकावट के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के, बिना कोई मैसेज बज के, बिना किसी कॉल के, यू आर टोटली फोकस्ड ऑन गॉड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिलीवर। ये हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। आमेन। एंड दिस मंथ गॉड टोल्ड मी कि ये उपवास और प्रार्थना का महीना है। आमेन। और ये चीज आई से इट बिकॉज आई हियर इट, और क्योंकि मैं वो सुनता हूं अपनी आत्मा में, आई आई टेल यू, एंड व्हेन यू डू इट यू विल सी सम रिजल्ट्स। नाउ लेट मी शेयर सम वर्सेस विद यू। पहला
पहला कुरिन्थी 7:4 में लिखा है, विवाह के बारे में लिखा है, बट देयर इज सम प्रिंसिपल हियर। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। उसका मतलब है कि अगर आप विवाहित हैं, आपका आपका शरीर यीशु का है और फिर आपके पति पत्नी का है। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे verse 5। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। डिफ्रॉड ई नॉट वन अनदर एक्सेप्ट इट बी विद कंसेंट फॉर अ टाइम दैट यू मे गिव योरसेल्फ वेरी पावरफुल। कि आप अपने आप को उपवास, हिंदी में उपवास नहीं लिखा है पर इंग्लिश में देखिए, that you may give yourself to fasting and prayer and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency, praise God, lack of resistance, amen। तो इसमें लिखा है कि पति पत्नी के बीच में लिखा है, और यहाँ पर एक सिद्धांत है, यहाँ पर ये सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं है, यहाँ पर ये सिद्धांत हर एक विश्वासी के लिए है। कि पौलुस बोल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हर एक विश्वासी अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए दे दे। मतलब इतने जिम्मेदारियों में, जैसे यहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बोल रहा है, और मतलब वो हर एक विश्वासी के जिम्मेदारियों के बारे में बोल रहा है कि अपने जिम्मेदारियों में इतना मत खो जाओ कि तुम्हें उपवास और प्रार्थना के लिए समय नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं कि सहमत होकर समय निकालो और उपवास और प्रार्थना के लिए अपने आप को समय दो। मतलब हर एक विश्वासी से ये कहा गया है। कई बार हम सोचते हैं उपवास प्रार्थना से पास्टर्स के लिए होता है, सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स के लिए होता है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमारे लिए थोड़ी उपवास है। नहीं, इट्स फॉर एवरी बिलीवर। ये हर एक, क्योंकि उसका जो फायदा है, वो फायदा उसमें जो बेनिफिट है वो इतना ज्यादा है कि आप उसके फायदे से आप इतना कुछ कर पाएंगे। उपवास की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उपवास से आप, लेकिन वापस में बोल रहा हूं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो उपवास मत कीजिए। अगर आप उपवास करना चाहते हैं तो कृपया करके छुट्टी लीजिए और सब प्रोग्राम्स कैंसिल कीजिए। क्योंकि मकसद ये है, मकसद ये नहीं कि चलो मैं खाना नहीं खा रहा हूं, दो दिन खाना नहीं खाऊंगा, दिन भर न्यूज़पेपर में बैठे रहेंगे, वो उपवास नहीं है। उपवास का मकसद है कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद गॉड। कुछ समय हम वचन पढ़ेंगे, कुछ समय हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, कुछ समय हम परमेश्वर के वचन के प्रचार को सुनेंगे, कुछ समय हम आराधना करेंगे। जस्ट हैव अ गुड टाइम विद जीसस। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के साथ एक अच्छा समय को आप बिताइए। आमेन। दैट्स व्हाट फास्टिंग इज, विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई भी बाधा के बिना, कोई भी रुकावट के बिना मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ। एवरी हस्बैंड मस्ट डू इट, every wife must do it, every believer must do it, praise God। वो बोलते हैं कि समय दो, उपवास और प्रार्थना के लिए समय दो, मतलब उसके लिए प्लान करो अपने आप। Nothing is automatic, अपने आप you have to plan your life accordingly, अपने जीवन को उसके अनुसार आपको चलाना है। Amen। And when you do it, there is tremendous power, बहुत ज्यादा शक्ति इन चीजों में आजाद होता है। Praise God। Amen। रुकिए मत कि मेरे जीवन में बहुत बड़े, अभी तो परेशानी नहीं है, अभी तो सब कुछ अच्छा है, क्यों उपवास करूं। जनरली लोग सोचते हैं, वो प्रार्थना के विषय में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक है, क्या जरूरत है प्रार्थना करने की। लेकिन जब कोई चैलेंज आ जाता है तब वो प्रार्थना करना चाहते हैं, तब, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि प्रार्थना सिर्फ चुनौती के लिए होता है। कोई अगर चैलेंज है, कोई चीज की जरूरत है, या कोई बंद दरवाजे का हम सामना कर रहे हैं तो ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, सब अच्छा चल रहा है, तो प्रार्थना उपवास की सब क्या जरूरत है। नो, एज अ बिलीवर प्रार्थना का मतलब है पिता के साथ संगति करना। आमेन। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप उसके साथ संगति करना चाहते हैं। और जब आप ऑफिस में जाते हैं या दिन भर के आपके जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते निभाते शायद आप उतना समय दे नहीं पाते हैं परमेश्वर के पास।
प्रेज गॉड, क्योंकि आप एक पति होने का जिम्मेदार है, आप जिम्मेदारी है आपके ऊपर, पिता होने का जिम्मेदारी है, काम की जिम्मेदारियां ये हैं वो हैं, तो उतना ज्यादा समय आप शायद दे नहीं पाते हैं। इसीलिए पौलुस बोलता है समय निकालकर उपवास के लिए समय दो, उपवास और प्रार्थना के लिए समय दो। एवरीवन मस्ट डू इट, प्रेज गॉड, आमेन। नाउ नंबर वन, फोर पॉइंट्स आई वांट टू शेयर विद यू। फास्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेथ लाइफ, प्रेज गॉड। फास्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेथ लाइफ, उपवास हमारे विश्वास जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वापस मैं बताना चाहूंगा, फास्टिंग का मतलब है वचन आधारित फास्टिंग, जहां पर आप खाने को और हर एक बाधा या रुकावट को आप साइड में रख के आप परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं। मतलब वो फास्टिंग नहीं है जहां पर एक व्यक्ति खाने को छोड़ देता है लेकिन दोस्तों के साथ घूमते रहता है, वो फास्टिंग नहीं है। प्रेज गॉड, आप फास्टिंग इज योर स्पेंडिंग टाइम इन द वर्ड। मैं वचन में ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ, मैं आराधना में ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट फास्टिंग इज, आमेन। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में उपवास एक हम खाते रहते हैं इसे, हम सिर्फ अच्छे से खाते रहते हैं, और क्योंकि हम नई बादशाह में हैं, हम खाते, यीशु ने सब कुछ कर दिया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ खाते रहते हैं। अब जानते हैं पौलुस ने कहा कि मैं उपवास में, कई बार मैं उपवास में रहता हूँ। और पौलुस ने, जिसने अनुग्रह के विषय में लिखा, जिसे अनुग्रह के विषय में प्रचार किया, प्रकाशन मिला, उसने कहा अपने आप को उपवास के लिए दे दो, गिव योर सेल्फ टू फास्टिंग। क्योंकि उपवास आपका जीवन शैली और या फिर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमेन, प्रेज गॉड। और आपको ये चीज करना बहुत, इसके इसके ऑफ कोर्स इसके मेडिकल फिजिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमारा फोकस फिजिकल बेनिफिट्स नहीं है, हमारा पर्पस है। जैसे अगर आप इंटरनेट में अगर आप पढ़ेंगे फास्टिंग के क्या क्या फायदे हैं शरीर को, आप देखेंगे कि शरीर को बहुत फायदे हैं फास्टिंग, क्योंकि जब आप फास्ट करते हैं आपका बॉडी क्लेंज होता है, जो टॉक्सिन्स आपके शरीर में होते हैं वो आजाद हो जाते हैं, यू जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो सब कम हो जाते हैं। फास्टिंग के फिजिकल बेनिफिट्स कहीं ज्यादा हैं, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम उपवास प्रभु के करीब जाने के लिए हम उपवास करते हैं, वी वॉन्ट टू गो मोर क्लोज टू गॉड, आमेन। वो मकसद है, ठीक है। तो फास्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेथ लाइफ, उपवास हमारे विश्वास जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा मत देखिए कि उपवास हम आ, 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 ये जीवन शैली नहीं है, नहीं, उपवास हमारी जीवन शैली है। फास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, प्रेज गॉड। वी आर, यू विल सी अस फास्टिंग मल्टीपल टाइम्स, आमेन। इस वचन को देखिए, मत्ती 6:16 में देखिए, जब तुम उपवास करो, यीशु मसीह बोल रहा है, जब तुम उपवास करो, वो ये नहीं बोल रहा है कि अगर तुम उपवास करो, बोल रहा है when you fast, जब तुम उपवास करो, मतलब यीशु मसीह जानता है कि आप उपवास करेंगे, अगर नहीं जब, मतलब आप करेंगे, ये हम करते हैं, विश्वासी लोग हम उपवास करते हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ और समय बिताना चाहते हैं। तो जब तुम उपवास करो, यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि अगर तुम उपवास करो करोगे क्या उपवास, वो बोल रहा है जब तुम उपवास करो, बिकॉज एवरी बिलीवर्स मस्ट फास्ट, यू मस्ट फास्ट, प्रेज गॉड। क्योंकि आप इतने व्यस्त हैं, यू आर सो बिजी, यू आर सो बिजी, आपके जीवन की जिम्मेदारियां, आपके काम की जिम्मेदारियां, आपके घर की जिम्मेदारियां, यू आर सो बिजी, यू मस्ट टेक टाइम आउट एंड गो सेपरेट। कभी कभी भागते 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 इतना तेजी से हम निकल जाते हैं, कभी कभी जरूरी है फास्ट करके थोड़ा रुक जाए, तो निकलते निकलते हम निकल जाएंगे एकदम, प्रेज गॉड। फास्ट करके थोड़ा रुक जाए, देखिए कि आप कहाँ पर है, क्या है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, कि नदी के साथ आप बह ना जाए।
जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उपवास हम फेमस या पब्लिसिटी के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को बताना नहीं है कि मैं उपवास कर रहा हूँ, देखो मैं इतना उपवास कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं उपवास ही करते रहूँ। कुछ लोग करते हैं, वो हमेशा दूसरों को बताते रहते हैं कि मैं उपवास कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ। मकसद है कि लोगों के सामने उनकी प्रशंसा हो, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि मैं प्रभु के करीब जाना चाहता, आई वांट टू गो मोर क्लोज टू गॉड, जिसने मेरे लिए अपने जान को दिया, उसके सामने उसके उपस्थिति में और गहरा जाना चाहता हूँ। वो है मेरा मकसद उपवास का। प्रेज गॉड। आगे देखेंगे, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, तेल मल और मुंह धो, वर्स 18, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सी, योर पर्पस इज टू कम क्लोज टू गॉड। आपका उपवास ये नहीं है कि लोगों के सामने आपको ताली मिले या लोग आपकी बड़ी वाह वाह करें या लोग आपकी प्रशंसा करें, दैट इज ऑल टेम्पररी, उसके थोड़े समय के बाद इट डजंट इवन मैटर। लेकिन परमेश्वर के सामने आप उपवास करते हैं, उसकी उपस्थिति में आप बैठते हैं, आपके वचन को लेकर, गीत की किताब को लेकर आप परमेश्वर के सामने जो समय बिताना चाहते हैं कि आज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आज मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ। कितना अच्छा होगा अगर आपके बच्चे ये सुनेंगे आपके मुंह से कि डैडी आज उपवास के लिए बैठे हैं। उपवास, फिर आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे उपवास का मतलब क्या होता है, और आप उन्हें बताएंगे बेटा कि या बेटी हम परमेश्वर के साथ समय बिताते। आप सोचिए कि वो आपके बच्चों के ऊपर कैसा असर करेगा, हाउ इट विल अफेक्ट योर चिल्ड्रन, जब आप उनको बोलेंगे कि बेटा आई विल बी प्रेइंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। आप सोचते हैं, मैं अक्सर इब्राहिम के बारे में सोचता हूं कि इसहाक ने इब्राहिम से पूछा कि पापा हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास चाकू है, रस्सी है, लेकिन मेमना कहाँ है? और इब्राहिम ने कहा कि परमेश्वर देगा, और वो इसहाक को लेके बांधता है और इसहाक के सामने उसको मारने का और सब कुछ, ये सोचिए उसका बेटा देख रहा है कि मेरा डैडी मुझे मारने पर है, मतलब वो सोच रहा है कि मेरे डैडी ने परमेश्वर की आज्ञा को रखने के लिए, उसने परमेश्वर, मेरे डैडी को परमेश्वर से कितना प्रेम है कि परमेश्वर की आज्ञा को रखने के लिए उसने मुझे तक नहीं छोड़ा। आप सोचिए वो छोटे से बच्चे में क्या उसके मन में चल रहा होगा जब उसने अपने डैडी को देखा, तो उसके डैडी में जो आदर था परमेश्वर के लिए। प्रेज गॉड। हम में से हर एक पिता और माता, वी शुड बी लाइक दिस, जहां पर हमारे बच्चे, उनको पता, क्योंकि शब्दों से ज्यादा वो हमारे जीवन को देखते हैं, और जब वो देखेंगे कि उपवास को जो जगह हमने दिया है, परमेश्वर के घर को जो जगह हमने दिया है, दशमांश को जो जगह हमने दिया है, when they see that, आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा, they will follow, क्योंकि वो आपके जीवन में उस चीज को देखते हैं, they see it, amen, okay, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। नंबर टू, फास्टिंग रिलीजेस हायर डिमेंशन ऑफ पावर एंड इनसाइट। आमीन। उपवास शक्ति या अभिषेक और प्रकाशन के उच्च आयाम को जारी करता है या आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। फास्टिंग रिलीजेस हायर डिमेंशन ऑफ पावर एंड इनसाइट। जब आप उपवास करने का निर्णय करते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उपवास करें, पवित्र आत्मा की बुद्धिमानी से आप उपवास करें, कहीं जा रहे हैं तो कृपया करके उपवास न करें, उपवास तभी करें जब आप घर पे हैं, या फिर समय निकालकर घर में रहिए और परमेश्वर के साथ समय बिताइए, क्योंकि वो मकसद है। मकसद खाना नहीं है, मकसद मोबाइल नहीं है, मकसद सेहत नहीं है, वो सब इफेक्ट होगा, लेकिन मकसद परमेश्वर के साथ समय बिताना है। प्रेज गॉड। और छुट्टी लेने से डरिए मत, परमेश्वर के राज के लिए खड़े होंगे, प्रार्थना के लिए समय बिताएंगे, इट विल ब्लेस योर जॉब, आपके काम में वो सिर्फ आपके लिए फायदा ही उत्पन्न होगा।
Praise God. Okay. Fasting releases higher dimension of power and insight. जो सामर्थ आपके अंदर है, उपवास एक तरीका है कि वो सामर्थ जो अभिषेक आपके अंदर है उसका बहाव बढ़ने लगता है उपवास के द्वारा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग सामर्थ में चलना चाहते हैं, जो लोग आपके अंदर से जो सामर्थ बहता है वो सामर्थ को आप बढ़ा सकते हैं. बिकॉज मैंने आपसे कहा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पूरा अभिषेक आपके अंदर है, लेकिन वो जो बहाव है वो अलग अलग डिग्रीज में होता है. लेकिन अगर आप उपवास करेंगे तो आपके अंदर से जो सामर्थ बहेगा उसका बहाव बढ़ेगा, उसका डिग्री बढ़ेगा, क्योंकि उपवास उसमें मदद करता है. और उपवास मदद करता है कि आप ऐसे ऐसे चीजों को देख पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे प्रकाशन को और अंतर्दृष्टि को आप देख पाएंगे, आप जान पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं जाना. प्रेज गॉड, आमीन. और जो लोग ऐसे प्रकाशन और सामर्थ में चलना चाहते हैं, उपवास कीजिए, स्पेंड मोर टाइम विद गॉड, क्योंकि परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं है ये, हमारे फायदे के लिए. इट इज फॉर आवर बेनिफिट. आमीन. इस वचन को देखिए, लूका 4:14 में लिखा है, और 14 के ऊपर वाले वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने उपवास किया, 40 days and 40 nights. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 40 दिन 40 रात उपवास कीजिए, मैं बोल रहा हूं कि आप जैसे आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप उपवास कीजिए. यहां पर उपवास के बाद यीशु मसीह ने लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई. उपवास के बाद सही तरीके से जब यीशु मसीह ने उपवास किया, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना में, अन्य भाषा में, इन चीजों में जब सही तरीके से उपवास हुआ, तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा. यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा. आप सोच के देखिए, आमीन. तो जब हम उपवास करते हैं, there is a higher dimension of power that is released. एक उच्च स्तर का सामर्थ आपके जीवन में आजाद होता है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपकी दुनिया में आप चंगाई को आजाद करें. आप भी चाहते हैं कि आपकी दुनिया में, आपका जो दुनिया है, आपका ऑफिस हो गया, आपके जो जहां पर आप रहते हैं, जहां पर भी आप हैं, आप चाहते हैं कि जहां पर भी आप हैं वहां पर जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुष्टात्माओं से पीड़ित हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं. यू वांट टू हेल्प देम. और आप मदद तभी कर पाएंगे जब आप में से सामर्थ बहेगा, जब आप में से सामर्थ बहेगा. और सामर्थ कब बहेगा? जब आप समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छा समय उपवास के माध्यम से देंगे, तो वो सामर्थ का बहाव आप में से बढ़ने लगेगा. सोचिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, कोई आपसे कहे कि मेरे सर पर दर्द है, और आप अपने हाथ को बढ़ा के बोलते हैं यीशु के नाम से, एंड द पावर दैट इज रिलीज. प्रेज गॉड. आप ये नहीं सोच रहे कि चलो मैं पास्टर को बुलाता हूँ. आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है. यू कैन कीप योर हैंड. आप अपने हाथ को रख सकते हैं और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा. प्रेज गॉड. क्योंकि हम सब परमेश्वर के नागरिक हैं, हम सब परमेश्वर के राज के नागरिक हैं, और आपकी दुनिया में यू नीड पावर. आपको सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के हर एक कोने में लोग परेशान हैं. वो बीमारी से, गरीबी से, बुरी आदतों में, डर में, वो परेशानी में, उनके विवाह तकलीफ में है. वहां पर प्रभु आपको भेजता है, क्योंकि लेकिन अगर आप उपवास नहीं करेंगे, भले ही वो सामर्थ्य आपके अंदर है, वो बहेगा नहीं. इट वोंट फ्लो. एंड इफ इट डजंट फ्लो, देयर विल बी नो डिलीवरेंस. प्रेज गॉड. आपको सामर्थ्य में चलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर हम सोचते हैं कि ये सेवकों के लिए है. आप, यू आर अ मिनिस्टर. वही है कि आपकी सेवकाई एक अलग जगह में है. आप शायद फोरफ्रंट में नहीं है पास्टर की तरह. प्रेज गॉड. और मैंने आपसे कहा है कि सेवकाई का मतलब पोडियम के पीछे खड़े रहना ही सेवकाई नहीं है. सेवकाई का मतलब है कि जहां पर प्रभु ने आपको डाला है, वहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य को आपको प्रकट करना है. यू मस्ट रिवील द पावर ऑफ गॉड इन योर वर्ल्ड. Amen. जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे वहां पर चीजें होंगी. बिकॉज वेन यू प्रे देर इज पावर. Amen. यीशु मसीह जब उपवास के बाद वापस आए, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा. कब?
उपवास के बाद, कि जब आप उपवास करते हैं, देर इज पावर, देर इज अ रिलीज ऑफ पावर. आमेन. जब आप खाने को साइड में रखते हैं, देर इज अ रिलीज ऑफ पावर, बिकॉज यू गिविंग दैट मच टाइम. आप अपने मन को, अपने समय को आप परमेश्वर की चीजों में रख रहे हैं. प्रेज गॉड. जब परमेश्वर में डूब के आप बाहर आते हैं, देर इज ट्रेमेंडस पावर. आमेन. और आपको समझना है कि आपकी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, आप उस जगह पर पैसों के लिए नहीं है. थोड़ा अपने को पैसा मिल रहा है, चलो सब ठीक है, किस कौन बीमार है, किसको क्या फर्क पड़ता, छोड़ो बीमार रहो, आपका तकलीफ है, छोड़ो तकलीफ में रहो, आपको परेशानी है, परेशानी, मेरा तो पगार आ रहा है, मेरे को क्या लेना देना, मेरा हर महीना मेरा पगार आ रहा है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है. दैट्स नॉट हाउ किंगडम सिटीजंस लिव. और अक्सर विश्वासियों में ये चीज हो गया, मुझे मेरा पैसा मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ऑफिस में कौन क्या प्रॉब्लम है, हु केयर्स. और ये अक्सर गलत शिक्षा के कारण है. आई टोल्ड यू, मनी कम्स बाय फेथ. हमें इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए, इट विल फॉलो यू. अगर सही सिद्धांतों को, प्रॉस्पेरिटी के विषय में जो मैंने आपको सिखाया है, उन चीजों को अगर आप लागू करेंगे, मनी विल फॉलो यू. लेकिन आप उस जगह में क्यों है? यू आर देयर टू रिलीज पावर. आप वहां पर सामर्थ को आजाद करने के लिए हैं. दैट मींस यू नीड पावर, यू नीड पावर. सैटन ओनली रिस्पेक्ट्स पावर. आमेन. कैंसर शब्दों से झुकेगा नहीं, सामर्थ से झुकेगा. इट टेक्स सामर्थ. मतलब कैंसर, एक दुष्टात्मा उस व्यक्ति को पकड़ा हुआ है और आप आकर बोल रहे हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मतलब आपके अंदर एक बड़ा सामर्थ है कैंसर से ज्यादा, तब कैंसर झुकेगा, नहीं तो कैसे झुकेगा कैंसर. इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 4:20, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है. कैसे आप परमेश्वर के राज को स्थापित करेंगे बिना सामर्थ के? इट कैन नॉट हैपन. अक्सर लोग सोचते हैं कि देखो, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, चर्च में देखेंगे. नहीं, वही आपकी सेवकाई, दैट्स योर मिनिस्ट्री. परमेश्वर के राज को बढ़ाइए, बट इट टेक्स पावर, एंड दैट पावर कम्स इन फास्टिंग. वो सामर्थ उपवास में आता है, एक तरीका है उपवास में, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं. लॉर्ड, आपने मुझे इस कंपनी में रखा है, आपने मुझे इस बिजनेस में रखा है, आपने मुझे इस स्कूल में रखा है, प्रभु अगर इन चीजों को मैं बदलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं हूँ, मैं इन चीजों को बदलना चाहता हूँ, आई नीड पावर. और इसीलिए मैं आपके साथ समय बिताता हूँ प्रभु, कि जब मैं आपके साथ समय बिताता हूँ, दाखलता से डालियों में सामर्थ्य बहती है, और वो सामर्थ्य के द्वारा मैं इन, इस कंपनी को, इस जगह को मैं हिला सकता हूँ. प्रेज गॉड. सो डोंट बी सैटिस्फाइड. और आप एक अविश्वासी की तरह मत सोचिए कि आपका पगार आपको टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है और एकदम एकदम खुश है आप. डोंट थिंक लाइक दैट कि मेरा सब कुछ आ रहा है, सब ठीक है. नो, यू आर देयर कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को वहां बढ़ा सके. यू कांट थिंक लाइक अ अर्थली पर्सन. आप एक सांसारिक व्यक्ति के समान आप नहीं सोच सकते हैं. आप वहां पर स्वर्ग के नागरिक हैं. आपको धरती में भेजा गया है ताकि आप वहां के लोगों में परमेश्वर के सामर्थ्य को आप दिखा सकें. आपको लगता है कि लंगड़े सिर्फ प्रचारकों के हाथों से चंगे हो सकते हैं, या जो गुंगे हैं वो प्रचारकों के हाथों से ही चंगे हो सकते हैं? नहीं, हर एक विश्वासी के. प्रेज गॉड. और इन अंतिम दिनों में, लेट मी टेल यू, बच्चों के हाथों से वो होगा. इट विल हैपन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन. इट विल हैपन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन. परमेश्वर ये बताना चाहता है, ये सामर्थ्य सबके हाथ से बहेगा. It will flow from everybody's hand, जो अपने आप को उपलब्ध करेंगे. So make yourself available, क्योंकि जिस दुनिया में प्रभु ने आपको रखा है, if you want to make a difference, सामर्थ की जरूरत है आपको. You need power. शब्द काफी नहीं है. Amen. Okay. यहाँ पर यशया बोल रहा है उपवास के बाद. अगर यशया 58:8 में, chapter 58 को अगर आप पढ़ेंगे, तो वो उपवास के बारे में है. और यशया बोल रहा है कि जब सही तरीके से आप उपवास करेंगे, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा. तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चले. ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपसे कहा, फास्टिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं फिजिकली, और हीलिंग में वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इट क्लेंजेस, फास्टिंग क्लेंजेस योर बॉडी. आमेन. वो चीज आप सब इंटरनेट में देख सकते हैं, बट आई वांट टू गिव यू द स्पिरिचुअल साइड. तब तेरा प्रकाश
फटने की नाई चमकेगा, मतलब प्रकाश, जब आप उपवास करते हैं देर इज रिलीज ऑफ लाइट, मतलब, और प्रकाश का मतलब है इनसाइट, रेवल्यूशन, इल्यूमिनेशन, मतलब ऐसे चीजों को आप जानने लगेंगे, देखने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, ऐसा प्रकाशन आप में आजाद होगा जो आप में कभी आजाद नहीं हुआ है। और ये कब होता है? जब एक व्यक्ति फैसला करता है कि मैं परमेश्वर के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ, प्रेज गॉड, वो आपके मन में है कि कब आपको छुट्टी मिल रहा है और आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते, कब मैं छुट्टी ले सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद गॉड, हालेलुया, मतलब दूसरी चीजों, इट इज ऑलवेज इन योर माइंड, मैं परमेश्वर के साथ समय, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद गॉड, प्रेज गॉड। और तब जब आप ऐसा करेंगे, सामर्थ और प्रकाशन एक अलग स्तर पे आजाद होगा, यू विल सी इट, इनफैक्ट जो आपके आजू बाजू में है वो भी देखेंगे। नाउ नंबर थ्री, फास्टिंग मेक्स योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग, मेक्स यू लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उपवास आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है जिससे आप दुनिया की चीजों में रुचि खो देते हैं, यू लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए उपवास बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, आप इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं, और 15-20 मिनट आप प्रार्थना भी कर लेते हैं, और फिर व्यस्त हैं और 15-20 मिनट आप प्रार्थना कर लेते हैं, और थोड़ा व्यस्त हैं और 15-20 मिनट आप प्रार्थना कर लेते हैं, दैट इज नॉट इनफ, प्रेज गॉड, दैट इज नॉट इनफ। जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनके लिए काफी नहीं, इट्स 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 नॉट इनफ, 15-20 मिनट प्रार्थना कर लिया, फिर सब जिम्मे, वो जिम्मेदारी के इस यात्रा में जो हम सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हम अलग अलग क्षेत्र में है, कोई पिता है, कोई माता है, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, हम सबके ऊपर स्कूल है, बिजनेसेस हैं, जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं इसका। लेकिन जो लोग परमेश्वर की चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं, फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं है, प्रेज गॉड, ये हमारे फायदे के लिए है, इट्स फॉर आवर बेनिफिट। और उपवास देखिए, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो सांसारिक हैं, जो शारीरिक हैं, वो दुनिया की चीजों में, दुनिया की चीजों में उनको इतना रुचि है, दुनिया की चीजों में दे आर सो इंटरेस्टेड, मतलब आत्मिक चीजों में दे डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट, आत्मिक चीजों में उनको ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन सांसारिक चीजों में दे जस्ट एंजॉय इट। और वो इसीलिए है क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर है, देयर फ्लैश इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका शरीर जो है फिजिकली मस्कुलर नहीं, और उनकी शारीरिक इंद्रियां जो हैं वो सांसारिक चीजों के प्रति बहुत लगाव है उन्हें। और जब हम ऐसा देखते हैं कि आपको आपको प्रार्थना में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आप अपने प्रति आप सवाल पूछिए कि अगर प्रार्थना में आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, या वचन पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, या कलीसिया की चीजों में आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, वो एक लक्षण है कि यू गॉट टू फास्ट, क्योंकि आप एक ऐसे पटरी में आप आगे ना निकल जाए कि आत्मिक चीजें आपको भी पसंद ही ना हो, प्रेज गॉड। लेकिन जब आप उपवास करते हैं, और उपवास आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है, जब आप उपवास करते हैं मतलब सांसारिक चीजों को आपने बाहर कर दिया और आप परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं, एंड व्हेन यू डू दैट, धीरे धीरे आपको सांसारिक चीजों में जो रुचि है, सांसारिक चीजों में जो मजा है, वो धीरे धीरे उतर जाएगा, इट विल लीव यू, प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, शरीर को खाना नहीं मिलता है, और जब शरीर को खाना नहीं मिलता है, वो ज्ञान इंद्रिया जिसने पकड़ के रखा है, वो ज्ञान इंद्रिया को जो पकड़ है वो कमजोर होने लगता है, प्रेज गॉड। आप अपने शरीर पर फिर से काबू कर लेते हैं, आप आपके भावनाओं पर फिर से आप काबू कर पाते हैं, प्रेज गॉड। और फास्टिंग आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है, इट मेक्स योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग, आत्मिक चीजों के प्रति आपका लगाव बढ़ने लगता है, और सांसारिक चीजें जो हैं उसके प्रति आपका जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो कम होने लगता है, फास्टिंग हेल्प्स यू। इसलिए पॉलुस कहता है कि जिम्मेदारियों में इतना ना खो जाए कि आप अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए समय ना दे सके, कि जो आग आप में है उस आग को आपको बढ़ाते रहना है, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, लुक एट दिस वर्स, रोमी 8 उसका 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति
शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति या आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। प्रेज गॉड। मतलब एक व्यक्ति जब उपवास, और सही तरीके से उपवास करना, जब आप सही तरीके से उपवास करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सब चीजों को बाहर करके, खाने को, दोस्तों को, मोबाइल को, न्यूज़पेपर्स को, सबको बाहर करके, टीवी को बाहर करके, फिर आप परमेश्वर के वचन में समय, मतलब आप अपने मन को परमेश्वर के वचन पर आप लगा रहे हैं, आप स्तुति आराधना में अपने मन को लगा रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन सुनने में अपने मन को आप लगा रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं अपने शरीर को, अपने मन को आत्मिक चीजों की तरफ लगा रहे हैं, और वो आपकी आत्मा के ऊपर असर करेगा, आने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे आप खा रहे हैं, अन्य भाषा में जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपकी आत्मा को बढ़ाने लगता है, और जब आपकी आत्मा मजबूत होने लगती है, आत्मिक चीजों में आपकी रुचि बढ़ने लगती है। अगर आप एक विश्वासी देखते हैं जिनको आत्मिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शारीरिक चीजों में वो उछलते हैं, सांसारिक चीजों में उनको मजा आता है, लेकिन आत्मिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट्स द प्रॉब्लम इज उनकी आत्मा कमजोर है, वो आत्मा को खिला नहीं रहे हैं, उनका पूरा मन शारीरिक सांसारिक चीजों में है, जिसके कारण उनका शरीर एकदम फुल उठा है। लेकिन जब आप उपवास करते हैं, आप अपने मन को शारीरिक चीजों से हटाकर आत्मिक चीजों में लाते हैं, जिसके द्वारा आत्मिक चीजें और परमेश्वर की चीजों में आपका रुचि बढ़ने लगता है, और हम सबको ये कर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गिल्टी, हम सब ने ये चीज में हम हार गए हैं, प्रेज गॉड, क्योंकि हमने अक्सर, हमने जीवन की यात्रा में इतना हम व्यस्त हो जाते हैं, प्रेज गॉड, और फास्टिंग हमारी मदद करता है कि हम रीअरेंज कर सके चीजों को, प्रेज गॉड, कि हम अपने मन को शारीरिक सांसारिक चीजों से हटाकर आत्मिक चीजों में, जो चीजें अक्सर एक्चुअली मायने रखती हैं, उन चीजों में हम इसे लेकर आए, एंड फास्टिंग हेल्प्स अस इन डूइंग दैट, प्रेज गॉड। वर्स नंबर 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। उपवास के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, उपवास के द्वारा आप अपने मन को आत्मिक चीजों में लगा रहे हैं, क्योंकि आपने बाकी सब चीज को अलग कर दिया है, कि प्रभु मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ जीवन की जिम्मेदारियों में, बहुत ज्यादा मैं इतना व्यस्त हो गया, मेरे प्रार्थना के लिए समय नहीं है। कितने विश्वासी हैं आप सोचिए, उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, उनके पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, दे डोंट हैव टाइम फॉर द वर्ड, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, और इसीलिए इसी फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट, कि जब आप उपवास कर रहे हैं, आप अपने मन के दिशा को आप बदल रहे हैं, यू ब्रिंगिंग इट बैक टू स्पिरिचुअल थिंग्स, बिकॉज लाइफ इज स्पिरिचुअल, आमेन। और जब आप आत्मिक चीजों पर अपने मन को लगाएंगे, आपकी आत्मा मजबूत होगी और जीवन और शांति आपके जीवन में आजाद होगी। एक और वचन देखिए, गलाती 6 उसके 7 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, आमेन। वर्स नंबर 8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, पर जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सो उपवास करने का मकसद है आत्मा, उसका उसका फायदा शरीर पर होता है, लेकिन मकसद है आत्मा, मैं अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहता, आई वॉन्ट मेक माई स्पिरिट स्ट्रॉन्ग, प्रेज गॉड। एक मजबूत, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक मजबूत शरीर बीमारी का सामना नहीं कर सकता, इट कांट रेजिस्ट सिकनेस, लेकिन एक मजबूत आत्मा किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है, प्रेज गॉड। इसलिए हम आत्मा में इन्वेस्ट करें, लेट्स इन्वेस्ट इन द स्पिरिट। और जब मैं उपवास करता हूं, मतलब मैं वो टाइम दे रहा हूं, मैं 4-5 घंटा या 12 घंटा या 24 घंटा या 3 दिन में उपवास कर रहा हूं, तो उतना टाइम मैं आत्मिक चीजों में बो रहा हूं, तब मेरी आत्मा मजबूत हो रही है, तभी शारीरिक चीजों में भी पसंद इतना रुचि नहीं रहा, उतना इंटरेस्ट नहीं रहा जितना पहले था, प्रेज गॉड, क्योंकि वो क्षेत्र से मैं उड़ गया हूँ, आई हैव कम अप फ्रॉम दैट लेवल। एक समय था शारीरिक चीजें, इतना मजा आता था शारीरिक चीजों में, सांसारिक चीजों में इतना, अभी वी हैव क्रॉस दैट लेवल,
अभी आत्मिक चीजें भाने लगती हैं, आत्मिक चीजों में रुचि ज्यादा है, एंड फास्टिंग हेल्प्स दैट, इट हेल्प्स, प्रेज गॉड। ओके, नंबर फोर, फाइनली, फास्टिंग मेक्स योर स्पिरिट सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। उपवास आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील बनाता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, फास्टिंग मेक्स योर स्पिरिट सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। दुनिया में बहुत आवाज है, फास्टिंग का मतलब क्या है? सब आवाजों से निकलकर आपसे वचन की आवाज में आना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू कम इन द वॉइस ऑफ द वर्ड। बहुत सा आवाज है इस दुनिया में, इसका आवाज, मोबाइल का आवाज, टीवी का आवाज, लोगों का आवाज, इसका आवाज, उसका आवाज, वो सबसे आप फैसला करते हैं। यू नो व्हाट, मैं कुछ समय लेकर के मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ बैठना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सिट विद गॉड। और कई बार लोग जब निर्णय लेते हैं वो पूछते हैं कि पास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं। और वो इसीलिए होता है क्योंकि इतने सारे आवाज हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को आप पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आवाज इतना है। एंड दैट्स वन ऑफ द वे सैटन वर्क्स, इज थ्रू साउंड। प्रेज गॉड, आवाज दुनिया में इतना, एंड समटाइम्स वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, हम अपने आप को अपने जीवन में इतने आवाजों को हम भर देते हैं। प्रेज गॉड, बट वी कैन चेंज, हम चीजों को बदल सकते हैं। फास्टिंग का मतलब है कि आप इन आवाजों से आप दूर जाते हैं, एंड यू जस्ट वॉन्ट बी अलोन विथ योर फादर। आप अपने पिता के साथ अकेले रहना चाहते हैं, उसकी आवाज को आप सुनना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और जब आप उपवास करते हैं, सही प्रकार का उपवास, परमेश्वर के वचन में आप समय बिता रहे हैं। कोई बोलता है पास्टर मैं उपवास में क्या करूं? उपवास में आप परमेश्वर का वचन, आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकते हैं, आप गाने को डाल करके आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, कुछ समय लेकर के आप अन्य भाषा में समय बिता, और आप बोले कि प्रभु ये उपवास करने का मेरा मकसद यह है कि मैं आप में और बढ़ना चाहता हूँ, मैं आप में और अधिक। एक व्यक्ति जब पढ़ाई करता है, वो टेंथ क्लियर करता है, फिर ट्वेल्थ क्लियर करता है, फिर वो ग्रेजुएशन में जाता है, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है, फिर वो पीएचडी में जाता है, कितना आगे निकल जाता है पढ़ाई में। ऐसे प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आप में ऊंचा, आई वांट टू एक्सेल इन गॉड, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्सेल इन गॉड। जैसे एक व्यक्ति पढ़ाई में एक्सेल करता है, दूसरा व्यक्ति म्यूजिक में एक्सेल करता है, तीसरा व्यक्ति इंश्योरेंस में एक्सेल करता है, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्सेल इन यू, वो मेरी इच्छा है, आई वांट टू डू दैट। और इस मकसद से आप फास्टिंग करते हैं, और ऐसा अभिषेक आप में बहेगा। यू नो, एक चीज को मैं पढ़ रहा था, आई रियली लाइक्ड इट, कि पत्रस, वचन में लिखा है कि पत्रस के परछाई से लोग चंगे होते हैं। पत्रस ने हाथ नहीं रखा, पत्रस की परछाई से लोग चंगे होते हैं, परछाई से। और मैं सोच रहा, क्योंकि परछाई में कुछ नहीं है, मतलब पत्रस के आजू बाजू में वो अभिषेक इतना बह रहा था कि उस रेडियस में अगर लोग आते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं। और वो कैसा होता है? फास्ट के द्वारा होता है, क्योंकि आप उतना समय यीशु के साथ बिता रहे हैं, यू स्पेंडिंग दैट मच टाइम। आमीन। तो इन सब आवाजों से आप दूर होते हैं, यू आर अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज वॉइसेस। प्रत्येक ग्रुप से आपके मोबाइल को आप साइड में रखिए, आपका मोबाइल बहुत ज्यादा आवाज करता है। आमीन। आपके मोबाइल को साइड में रखिए, 70% आवाज को, 70% आवाज को अपने, 70 maybe 90%, यू डोंट नो, 70 to 90% वॉइस को अपने साइड में रख दिया। प्रेज गॉड। उपवास आपकी आत्मा को पवित्र, अचानक क्या होता है जब दूसरे आवाज बाहर होते हैं, पवित्र आत्मा का आवाज बढ़ने लगता है, पवित्र आत्मा का आवाज मैग्निफाई होता है, होली स्पिरिट्स वॉइस बिकम्स बिगर। और आप, आपकी, क्योंकि आपकी आत्मा मजबूत होती है, और जब आपकी आत्मा मजबूत होती है, पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, उसका अनुसरण कर पाते हैं आप, बिकॉज उपवास मदद करता है, इट हेल्प्स यू। प्रेज। अगर आपको तकलीफ हो रहा है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए, टेक अ फ्यू डेज आउट, कुछ समय को निकाल कर जस्ट फास्ट, एंड यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट गॉड इज टेलिंग यू। प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं
आवाजों के बीच में अगर आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल बी टफ फॉर यू, टेक सम टाइम आउट। इस वचन को देखिए, दीज आर माय फाइनल वर्सेस, योहन्ना 10 उसके 27 में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। नए नियम में प्रभु अपने शब्दों के द्वारा आपकी अगुवाही करता है। प्रेज गॉड। नए नियम में पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा का आवाज आपकी अगुवाई है। पवित्र आत्मा की आवाज आपकी अगुवाई है। प्रेज गॉड। भविष्यद्वक्ता हमारी अगुवाई नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा की आवाज हमारी अगुवाही करता है। तो हमें सबको परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। जो चीजें दिखती हैं वैसा है नहीं, और जो नहीं दिखती हैं वैसा होता है कई बार। प्रेज गॉड। आमेन। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं। आप शारीरिक इंद्रियों के द्वारा डिसीजंस ले नहीं पाते हैं क्योंकि जीवन आत्मिक है, और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। इन द न्यू कवनेंट यू लेड बाय द वॉइस। नए नियम में आप पवित्र आत्मा के आवाज के द्वारा चलाए चलते हैं, उसकी आवाज को अपना सुनना जरूरी। ये कलीसिया आई स्टार्टेड दिस चर्च बिकॉज आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। आई डिडंट नीड एनी अप्रूवल किसी से। आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। मैंने परमेश्वर की आवाज सुना। व्हेन आई गॉट मैरिड आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। कामोटे में हम आए, आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। इट्स ऑल द वॉइस ऑफ गॉड। और ये सिर्फ पास्टर आशीष के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई बोल रहा है कि मैं कैसे आवाज को सुनूं, कैसे आवाज को सुनूं, मैं कैसे। नो, लेट मी शो यू समथिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स। रोमी 8:16 में लिखा है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब पवित्र आत्मा जो आपकी अगुवाही करता है, वो आपकी आत्मा से बातें करता है। ही टॉक्स टू योर स्पिरिट। अगर आप अपनी आत्मा को मजबूत नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं कैसे आवाज को सुनूं, मैं कैसे आवाज को सुनूं, मैं कैसे आवाज को सुनूं, वेल मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग। अपनी आत्मा को आप मजबूत करेंगे, द रिजल्ट विल बी आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। आमेन। और इसीलिए फास्टिंग हमारी सहायता करता है। फास्टिंग हेल्प्स अस कि आपकी आत्मा मजबूत होगी। योर स्पिरिट विल बिकम स्ट्रॉन्ग। सांसारिक चीजों से आपका लगाव उठ जाएगा। यू विल हैव नो मोर इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आपका एक ही लक्ष्य रहेगा कि मुझे मेरे पिता को प्रसन्न करना है, मुझे इसके राज को बढ़ाना है, मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है, मुझे अपने असाइनमेंट को पूरा करना है। वो आग आपके अंदर जलने लगेगा। प्रेज गॉड। वो आग आपके अंदर जलने लगेगा, और इतना वो जलेगा आपके अंदर कि जो भी आपके आजू बाजू में है, वो आग से वो उनके अंदर भी वो आग जलने लगेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आप जानते हैं आपने परमेश्वर के साथ समय बिताया है और आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है। आमेन। वो क्या बता रहा है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाही करना चाहता है, हमें वो ऊंचे स्तर में लेकर जाना चाहता है, और वो तभी होगा जब हम अपने आप को, आप फैसला कीजिए। आई वुड एनकरेज यू ऑल ऑफ यू टुडे, आप कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, आई वुड एनकरेज यू स्किप सर्टेन मील्स। कुछ खाने को थोड़ा साइड में रखिए जब आप घर में हैं, या फिर आप समय दे सकते हैं, एंड स्पेंड टाइम विद जीसस। उसके वचन को पढ़िए, प्रचार को सुनिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, स्तुति आराधना कीजिए। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, नोटबुक लेकर जाके आप लिखिए कि प्रभु ने आपसे क्या बातें किया। एंड व्हेन दैट हैपेंस, एक तो आपके शरीर के लिए वो बहुत अच्छा है बिकॉज इट इज बीइंग क्लेंस्ड, दूसरा आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। आमेन। आप अलग प्रकाशन आप में आजाद हो रहा है, अलग प्रकार का सामर्थ्य आप में आजाद हो रहा है, और उसके बाद जब आप उस ऑफिस में जाएंगे, जब आप उस कंपनी में जाएंगे, उस जगह पर आप जाएंगे, आपके हाथ रखने से लोग चंगे हो जाएंगे, आपके बोली से दुष्टात्माएं भाग निकलेंगी, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उस जगह पर चीजें बदलेंगे। बट इट हैपेंस थ्रू फास्टिंग। प्रेज गॉड। एंड टुडे आई वांट टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, एंड आई बिलीव कि परमेश्वर आपकी सहायता करें कि आप
प्रार्थना में और उपवास में आप अच्छा समय दे सके। सो लेट मी प्रे फॉर यू, वी गोइंग टू डू द फाइनल प्रेयर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु आई प्रे जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, एवरी पर्सन, फादर आप उनकी सहायता करें कि वो आपके साथ और ज्यादा समय बिताएं, और ज्यादा समय बिताएं, कि प्रभु हम में से कोई भी उपवास को ऐसा ना देखें किसी परेशानियों के समय में करते हैं या कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तभी करते हैं, तभी तो करना चाहिए, लेकिन प्रभु उपवास और प्रार्थना हमारी जीवन शैली, हम आपके साथ संगति करते हैं इसलिए आपके साथ समय बिताते हैं, कि आप दाखलता है, आप हमारे स्रोत हैं, आप में से हम में सामर्थ और शक्ति बहें ताकि बहुत लोग, हमारी दुनिया में जो लोग हैं वो आशीष पाएं, हमारे हाथ रखने से सामर्थ बहें, हमारे शब्दों से सामर्थ बहें, हमारी उपस्थिति से सामर्थ बहें। हालेलुया, कि हम में से हर एक को आप इस्तेमाल करें, कि हम में से हर एक में से सामर्थ बहें और हमारी दुनिया में लोग आशीष पाएं और यीशु की तरफ खींचे चलना। थैंक यू फादर, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर आपके शलोम को मैं आजाद करता हूं पिता, उनके शरीरों में आपके सामर्थ को हम आजाद करते हैं। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट ताकतें, दुष्ट सामर्थ जिन्होंने विश्वासियों को पकड़ कर रखा है, हम उसके ऊपर अधिकार लेते हैं, छोड़ कर जा यीशु के नाम से। प्रभु आपका सामर्थ हमारे शरीरों में काम कर रहा है इसलिए धन्यवाद। थैंक यू फादर, दीर्घायु से आप हम सबको तृप्त करेंगे और मैं ये घोषणा करता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने बुलाहट को पूरा करेगा, आपके साथ एक होकर अपनी बुलाहट को हम पूरा करें। थैंक यू लॉर्ड, सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज़ गॉड।